बंगाल के मुसलमानों ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा को सियासी नेता के तौर पर नकार दिया है। पीरजादा ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर के 26 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन उनके गठबंधन का चुनाव में खेला खत्म हो गया। क्यों फुरफुरा शरीफ में शीर्ष झुकाने वाले अब जो लोग थे उन्होंने पीरजादा को नकार दिया, इस रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। मेरा मानना है दीदी का गद्दी जाने वाले हैं। मुसलमान के फांसा बारे प्लान कर सर पे ओढ़नी ओढ़नी अल्लाह अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना बोली अल्लाह अकबर बोल, सब कुछ तो धोखा हो गया। मैं किसी का नहीं हूँ, ना कभी किसी का रहूंगा। बांग्ला में संत गुरु। बंग की जंग में फुरफुरा का पीरजादा फुस, टीएमसी की टक्कर से पीरजादा को आए चक्कर। हुगली की जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह का बंगाल के मुसलमानों पर जादू चलता था, वो ममता दीदी के जादू के आगे फीका पड़ गया। बंगाल चुनाव से एन 3 महीने पहले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम से पार्टी बनाई और कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में कूद गए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के चुनाव प्रचार के दौरान ममता दीदी को बंगाल निकाला देने की खूब कस्में खाई और शेखी बगाड़ते रहे कि दीदी का खेला खल्लास करके ही दम लेंगे। लेकिन जब 2 मई को नतीजे आए तो पता चला कि पीरजादा की ISF ही नहीं, उनका पूरा फ्रंट ही खल्लास हो गया। मानना है दीदी का गद्दी जाने वाले हैं, क्योंकि 3 जगह चुनाव में दीदी ने समय लिए, हमारे माहौल बहुत खराब है। इसी जगह दीदी का थोड़ा पोजीशन खराब हो रहा है, इसीलिए उल्टा सीधा बोल रहे। मुसलमानों पर फुरफुरा फैक्टर बेअसर, पीरजादा के सियासी सपने चकनाचूर। फुरफुरा शरीफ दरगाह को मानने वाले बंगाल में लाखों मुसलमान हैं। मुस्लिम बाहुल्य करीब 100 सीटों पर फुरफुरा से निकला संदेश असर रखता है। पीरजादा ने गठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ 26 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। दीदी को हराने के लिए खुद नंदीग्राम में प्रचार किया और दीदी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। মমতা সব থেকে বড় বিজেপির এজেন্ট, মমতাকে জিজ্ঞেস করুন কত টাকা দিয়েছে। এটা মমতা আর বিজেপির মধ্যে সেটিং আছে। মমতা মুখে তুষণ করছে, মুখে অন্তরে নয়। এটা করে দিয়ে মুসলমানকে ফাঁসাবার একটা প্ল্যান করছে। लेकिन दीदी बंगाली मुसलमान वोटर को यह समझाने में सफल रही कि पीरजादा सिर्फ वोट कटवा है और वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव मैदान में उतरा है। ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করার চেষ্টা করছে। बंगाल में 30% मुसलमान वोटर हैं, जो 100 से 125 सीटों पर नतीजों पर असर डालने की क्षमता रखते हैं। बंगाल में 46 सीटों पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर, 20 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर, 30 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर और 50 सीटों पर 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ममता बनर्जी को इसी मुस्लिम फैक्टर ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और पीरजादा का भी इन वोटों पर बड़ा असर रहा है। लेकिन जब पीरजादा खुद चुनावी अखाड़े में 2-2 हाथ करने आ गए तो लोगों ने उन्हें नकार दिया। उनके तमाम कैंडिडेट जमानत भी नहीं बचा पाए। दीदी ने बड़ी चालाकी से अब्बास का असर खत्म करने के लिए उन पर बीजेपी से पैसे खाने और बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा दिया। हैदराबाद तक बीजेपी एक बंधु और फुरफुरा शरीफ एक चैंगड़ा के लिए से कैक कोटी टाका खर्चा कर कम्युनल स्लोगान दिच्छे, हिंदू मुसलमान भागाभागी करार चेष्टा करछे और मुसलमान भोटटाकेओ भाग करार चेष्टा करछे। दीदी ने जो बोल रहे हैं, मैं मुस्लिम दूधला गाय हूँ, गाय है, तो सब बात तो बोल रहे हैं। ये बात करके मुसलमान भी फंस गए और दूसरा बात है मेरे पश्चिम बंगाल में जो डिवाइड रूल्स बंटवारा करके जो राजनीति कभी नहीं होता, अभी वो होना शुरू हो। बंगाल में मुसलमानों ने सिर्फ पीरजादा की ISF को ही पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट का भी सफाया कर दिया।
टीएमसी 214 सीट और 47.93% वोट हासिल किया। लेफ्ट को 4.72% और कांग्रेस को महज 2.94% वोट मिले, जबकि अब्बास की ISF को नोटा के 1.08% से भी कम वोट मिले। चुनावों में जहां पीरजादा मुसलमानों को यह समझाने में लगे थे कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के साथ छल किया, उनका वोट लेने के सिवा उनके हित के लिए कुछ नहीं किया है, तो ममता दीदी मुसलमानों को अपने मौलाना जजेस के जरिए भय दिखा रही थी कि अगर बीजेपी बंगाल की सत्ता में आ गई तो उन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। कोई बोल रहे CRPF तो 2 तारीख में चला जाएगा तो बाद में हम देख लेंगे, CRPF भाई तो क्या है, वो मार्ट में रहेंगे, हम अंदर में खेलेंगे। CRPF को यहाँ का कुछ लोग धमकी दे रहे, कितना बड़ा डान गुंडा बन गए, और इन सब के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। अगर यहाँ से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुँचा पाओगे। बहरहाल एम फैक्टर की बदौलत दीदी एक बार फिर बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गई हैं। पीरजादा के सियासी आगाज बेहद खराब रहा। अब अब्बास सिद्दकी के लिए फुरफुरा शरीफ में दिन पहले जैसे नहीं रहने वाले, क्योंकि TMC का रक्त चरित्र बंगाल अच्छी तरह से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर जो बंगाल से मिल रही है वो आपको बता दें, बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसका गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। मेरे सहयोगी रमन इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस खबर के ऊपर भी आगे हम आएंगे, पर रमन का पहले मैं रुख कर लूं। रमन, लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा बढ़ती चली जा रही है, तस्वीरें हर जी हिंदुस्तान ने दिखाई है, और एक तरफ ममता दीदी भी यही कह रही है कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके हमने देखा है रक्त रंजित बंगाल फिर से दिख रहा है। हाँ देखिए बिल्कुल शालिनी, और लगातार कई जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनकी मौत की खबर भी यहाँ पर आई है, और लगातार हिंसा की बेहद ही डरावनी तस्वीर यहाँ पर आई है, और ये पोस्ट पोल वायलेंस पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त हो रहा है। और जहाँ तक दीदी का कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उस बात में वजन होना चाहिए, जो उसमें कन्वेंशन होना चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है उनकी बातों से, क्योंकि वो लगातार ये तो कहती हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहती हैं कि ये तस्वीरें शायद पुरानी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो इसीलिए ये पूरी तरह से अगर वो खुल ये दबाव के साथ अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से समझाती कि ये अगर किसी ने भी किया, अगर पोल वायलेंस किसी ने भी किया, अगर किसी को भी नुकसान पहुंचाया, तो वो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा, उसके साथ एक अपराधी की तरह बर्ताव किया जाएगा, लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। जानने वाले ये भी कह रहे हैं रमन, जानने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये तो ममता बनर्जी ऊपर से दिखावे में कह रही है, असल में उनकी तरफ से शय है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल में ये हिंसा दिखाई दे रही है। लौट रही हूं आपके पास।